तो सुबह का समय है और सुबह सुबह 6 बजे में तो सेवई बना रही हूँ। तो आज मैं ना पहली बार बना रही हूँ। यहाँ पे सेवई निकाल रखी है, घी में डालूंगी, दूध है बड़ा पैकेट, तो घी में थोड़ा 2-3 चम्मच घी डालूंगी, उसमें बनाऊंगी। आज बनाने वाली हूँ पहली बार। तो क्या कहते हैं, घी को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने इलायची इलायची के दाने और इलायची को अलग अलग कर दिया है, क्योंकि खाने में अच्छा नहीं रहता है ना अंदर का दाना, तभी। तो घी यहाँ पे मेरा गर्म हो रहा है, तो उसके बाद इसमें मैं थोड़ा इलायची डाल लेती हूँ। इलायची डालने के बाद घी भी गर्म हो गया, इसमें सेवई डाल लेते हैं। सेवई डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और अभी तो ये काफ़ी सफ़ेद हो रखा है ना, इसको थोड़ा भूरा भूरा होने देंगे। तो तब तक के लिए इसको हम फिर मिक्स करते रहेंगे। तो घी शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है ना, लग ही रहा है। तो हम पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा रहता है। तो जैसे ही ये थोड़ा रेड 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 होगा ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। इसे मैंने दूध डाला, तो दूध डाला तो देखिए कुछ इस तरह का कलर हो गया है, और अच्छा लग रहा है अभी तो। वैसे पसंद तो है नहीं मुझे, मैंने कहा आज बना लेते हैं फिर भी। तो इलायची देखो, इलायची ऊपर मार आ रखी है, मैंने पहले ही इलायची तोड़ दी थी। अब इसको हम थोड़ा इसको पकने देंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसमें लगा देते हैं ढक्कन। देख तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक गया है। और अब सबसे पहले कटोरी में मैंने मंदिर के लिए रखा है, इसे मंदिर में रखते हैं। सबसे पहले भगवान जी को मिष्ठान चढ़ता है ना। हेलो दगड़ियो, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोबाल और मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे, और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं आज कॉलेज के लिए तैयार हो रखी हूँ, आज है मेरा अंतिम पेपर। तो अंतिम परीक्षा की खुशी तो कुछ अलग ही होती है, तो आज लास्ट पेपर है और देखते हैं कि कैसा रहता है। कल दिन भर में सोई रहेगी, पता नहीं क्या ही जैसा हो रहा था, तो अच्छे से आज कवर नहीं हो पाया है मतलब। फिर भी देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है, कैसा पेपर आता है। और मौसम देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, आज पूरा बदा बदा मौसम है, कभी धूप आ रही है तो कभी छांव, और कल रात ना काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी, इस वजह से आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। तो देख सकते हैं धूप भी आ रही है और बादल भी लग रहे हैं। तो आप लोग बने रहो, मिलते हैं आपको घर आने के बाद, और व्लॉग में बने रहो, मैं फिर बताऊँगी आपको कि कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, अब आपको मिलते हैं हम 3 घंटे बाद, और आपकी तरफ से मुझे बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। ये दोनों ठीक लग रहे हैं। पेपर के दिन तो मुझे ना रोज लेट ही हो जाता है। आज भी कुछ ऐसे क्या रखा क्या नहीं रखा ये वो ना, काफी ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है पेपर के दिन। मुझे तो सेम रोज होता है। तो और हम भी चल दिए अब लास्ट पेपर देने। अच्छे दिन ना, ऑल द बेस्ट। खुशी भी थी और दुख भी हो रहा था, और देखते हैं घर आके। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं भी आ गई हूँ घर, और पेपर आज हो गया, और लास्ट पेपर था जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पेपर लास्ट ठीक ही गया, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, तो मतलब
उतना अच्छा भी नहीं गया, ठीक गया मतलब, अभी फिर देखते हैं अब रिजल्ट का। अब उसके बाद शायद आज से हम सेकंड सेम में शिफ्ट होने वाले हैं, और क्योंकि पेपर ख़त्म होने के बाद देखते हैं क्लासें होती नहीं होती है। अब मैं तो सोच रही हूँ घर जाने की, देखते हैं कब जाते हैं, ठीक है। तो ना मौसम काफ़ी बदा बदा सा है और बारिश होने जैसी हो रही है, कभी बारिश कभी धूप जैसी। तो क्लासरूम में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ, तो आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा मौसम। अभी मैं छत में तो जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है, भूख भी लग गई है। चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, चाय पानी पीते हैं। मुझे तो वहाँ पर चाय का अमल लगने वाला हुआ, आज भी लग गया। तो पहले मौसम दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पूरा बदा बदा सा हो रहा है मौसम। कहीं धूप कभी बारिश कभी धूप, ऐसी हो रहा है। तो पेपर तो निपट ही गए, फिर अच्छा हो गया। और आज का व्लॉग छोटा सा था, और बीच में थोड़ी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, वो मैं भी डालूंगी। तो आज का व्लॉग इतना ही, अब हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे व्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। बाय।